Hello, good evening, everyone. Today is Sunday evening, 9 p.m. and I'm recording a weekend analysis. थोड़ा लेट हो गया. आज संडे है, सो प्रेफर ऑलवेज फैमिली को पहले जाता है. सो कभी मौका मिलता है तो सुबह कर लेता हूँ, दोपहर में कर लेता हूँ. अभी आज मौका मिला, बाहर से आ गया, तो आई थॉट जब भी मौका मिले तभी चौका मार देना चाहिए. तो क्विकली 15 मिनट का एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, और कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे भी आज की क्या कोई तरीका है अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का. आज हम लोग सीखेंगे एफएनओ स्टॉक्स, मतलब जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड होते हैं उसमें से स्टॉक्स कैसे पिक करें जिनमें किसी तरह का एक्शन हो सकता है, चाहे ऊपर की तरफ एक्शन हो सकता है चाहे नीचे की तरफ एक्शन हो. क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? आप तैयार हैं मार्केट के एनालिसिस के लिए? मैं भी तैयार हूँ. तो चलिए वीडियो बंद करते हैं और स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और एक फटाफट मार्केट का ब्रॉडर व्यू बनाने की कोशिश करते हैं. सो ब्रॉडर मार्केट का व्यू बनाने के लिए डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत जरूरी है. डॉलर इंडेक्स एक डाउन ट्रेंड में है. डॉलर इंडेक्स तकरीबन 102.25 के आसपास चल रहा है. यूएस का यील्ड कर्व पहली बार मतलब तो काफी दिनों के बाद में 4% पे वापस आ गया. ये देखिए लास्ट 4% आया था ये मार्च 23 में, उस समय डॉलर भी बढ़ा था यूएस यील्ड कर्व के साथ में. बट इस बार बड़ा अजीब सा कुछ हुआ है कि डॉलर जो है वो भरना नहीं चाहता है चाहे यील्ड कर्व ऊपर में है. इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट जो एक इंक्रीज करने की बात है यूएस में वो सेट हो गया है कि हाँ इंटरेस्ट रेट यूएस में कम से कम 2 बार तो और इंक्रीज होगा. जनरली क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाता है. बट गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ डॉलर नाउ कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा भी तो डॉलर जो है उसका डाउन टर्न एक डिफाइंड डाउन टर्न हो चुका है. तो एक डायकोटॉमी हो गया ये कि जनरली ऐसा होता नहीं है कि यील्ड कर्व ऊपर जाए और डॉलर नीचे जाए. तो ये मार्केट सिचुएशन ऐसा होता है जहां प्रॉब्ली मार्केट अभी एक फेयर एस्टिमेट नहीं कर पा रहा है चाहे वो यील्ड कर्व का चाहे वो डॉलर इंडेक्स का. सो डेफिनेटली नॉट अ क्लैरिटी, एक अनक्लियर मार्केट है. और जब भी मार्केट अनक्लियर होता है उसका इम्पैक्ट बाकी मार्केट्स के ऊपर में आता है. तो निफ्टी का इम्पैक्ट देखते हैं तो निफ्टी बहुत अच्छा तेजी बनाया था इस ब्रेकआउट के बाद में. आप देखिए 18,800 के ऊपर जब वो गया 900 के ऊपर तो कांस्टेंट बेसिस पे एक तेजी आई. बट अपने मिड वीक रिपोर्ट में भी अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि थकान होती है. अगर बहुत ही रफ्तार से आप किसी भी समय भागोगे तो एक पॉइंट पे जाके थकान होगी और वो थकान आपको दिख जाएगी मार्केट ब्रेथ के अंदर. तो मार्केट ब्रेथ अगर मैं स्टडी करूं, और आपको याद होगा ये सारा स्टडीज जो मैं करता हूं आपके साथ में, ये देखिए ओवरबॉट मार्केट आ चुका था 6 जुलाई को और उसके बाद इम्पैक्ट क्लियरली नजर आया कि एक फॉल आ गया मार्केट का. अभी भी मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट यहाँ से एक कूल ऑफ कंटिन्यू करे. मुझे नहीं लगता मार्केट 19,000 के नीचे जाएगा. समाउ आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि 19,000 एक शॉर्ट टर्म बेस बन जाएगा. बिकॉज यहाँ देखिए इस वीक का देख रहे, इस वीक का हाई था 18,890, इस वीक का हाई था 18,870. तो मुझे लगता है ये जो अब जोन हो गया मार्केट का 18,900, ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन हो गया मार्केट का. और उसके नीचे जाने के लिए मार्केट में कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना पड़ेगा और वो स्ट्रॉन्ग रीजन डॉलर इंडेक्स में भी दिखेगा. तो अगर डॉलर इंडेक्स इसके ऊपर जाता है 104 के ऊपर या 104 का जर्नी में जाता है तब मुझे लगता है कि बड़ा कुछ फॉल आ सकता है, अदरवाइज करेक्शन वाला फॉल मार्केट में बरकरार रह सकता है. निफ्टी के अपने एक बार ओआई वगैरह देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर में या एफआईआईज के पोजीशंस ओवरऑल क्या है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर में. तो एफआईआईज जो है उनका पोजीशन अभी प्लस ही है फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में. इसका मतलब वो कहीं पर भी मंदी खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है. और ओपन इंटरेस्ट का अगर अपने स्टडी करें एफआईआईज का तो कॉल के अंदर में उनका 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट के पोजीशंस हैं, ठीक है. और पुट के अंदर में उनके तकरीबन 3,74,000. इसका मतलब कॉल पुट में मोटा मोटी बराबर पोजीशन है. तो यहाँ से कुछ अपने डिराइव नहीं कर सकते हैं, बस फ्यूचर में प्लस है. तो डेफिनेटली एफआईआई पर्सपेक्टिव से मार्केट के अंदर में किसी भी तरह का बड़ा सेलिंग का एक इंडिकेशन नहीं मिल रहा, इसलिए आप देखिए यहाँ पर एफआई कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव है. तो अगर डॉलर के अंदर में स्ट्रेंथ आया तब एफआई हो सकता है नेगेटिव करे, तब मार्केट के अंदर में और बड़ा फॉल आ सकता है. अदरवाइज इट्स अ करेक्शन मार्केट. यस तेजी के बाद करेक्शन आता है. मे बी 19,000
के लेवल पे आ जाए, एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी का, फिर अपने को एक लेवल भी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ तक वो करेक्शन आ सकता है। तो लेट्स गो टू निफ्टी इंडाइसेस में चलते हैं, निफ्टी में चलते हैं और यहाँ पर ऑप्शन चेन की स्टडी कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में एक बार अपने देखते हैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे 19,500 के कॉल में अच्छा खासा राइटअप है और कॉल के राइटर्स है, और नीचे 19,300, 19,200, 19,000, तो 19,000 से 19,400, 19,500 का मोटा मोटी मार्केट का एक लेवल डिफाइंड हो गया। 19,400 पे अच्छा खासा कॉल में राइटिंग आई है, इसका मतलब ये ऊपर का लेवल हो गया और नीचे 19,000 का लेवल, ये एक रेंज मार्केट में डिफाइन हो गया है। ठीक है, अब अपने चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कुछ एक्शंस निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपके साथ में एक स्टडी शेयर करता हूँ, वो है कि जो स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में है उन स्टॉक्स में एनालिसिस करके मैं कैसे पोजीशन बिल्ड कर सकता हूँ। उसके लिए स्टॉकेज के अंदर में ये डेरिवेटिव एनालिटिक्स रिपोर्ट है। अगर आप इस डेटा को बहुत डीपली स्टडी करेंगे, इससे बहुत कुछ मिलता है, बस आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस डेटा को हम एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए हम इसको एक्सेल में डाउनलोड करते हैं और थोड़ा स्टडी को एक्सेल बेस करते हैं ताकि और हम डिलैबरेट इस स्टडी को कर सकें। ऊपर वाला को मैं एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम इन कर ले रहा हूँ ताकि आप सबको बेटर तरीके से दिखे, और कुछ चीजें मैं हाइड कर लेता हूँ ताकि अपना एक्सेल जो है वो थोड़ा स्ट्रक्चर हो जाए। ठीक है ना, अब आप देखिए ये है सिंपल, यहाँ पे अपने इसको वो कर लेते हैं, डेटा को व्यू फ्रीज कर लेते हैं डेटा को। तो फ्रीज टॉप फ्रीज पहले, मतलब यहाँ पर इस डेटा को फ्रीज कर लेते हैं। तो दिस इज आई एम सॉरी अबाउट इट, ये फ्रीज को एक बार वापस से हम अनफ्रीज करते हैं, सो अनफ्रीज, और यहाँ पर इसको फ्रीज कर लेते हैं, डेटा व्यू फ्रीज और इसको फ्रीज कर लेते हैं। जी ठीक है, तो ये हमने फ्रीज कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास डेटा पूरा आ गया जिसमें क्यूमुलेटिव वाइट सब सारा डेटा जो डेरिवेटिव एनालिटिक्स के लिए जितना हमको डेटा चाहिए वो सारा यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जिस जिस स्टॉक के अंदर में ओआई ज्यादा बिल्डअप हुआ है उस पे फोकस करते हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर किसी तरह का कंक्लूजन भी है, एग्रेसिव न्यू लॉन्ग वगैरह, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं डेटा, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग पोजीशंस एंड शॉर्ट पोजीशंस एक्सेट्रा। तो ओआई का जो ट्रेंड है इसके आधार पे मैं इस डेटा को सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। तो ये लॉन्ग कवर के स्टॉक्स हो गए, ये न्यू लॉन्ग के स्टॉक्स हो गए सारे, और ये डेटा को अब वापस से एक बार मैंने सॉर्ट कर लिया डेटा, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एड वन मोर लेवल, अब हम सॉर्ट कर दे ऑन द बेसिस ऑफ ओआई चेंज। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसका मतलब मुझे यहाँ पर लॉन्ग कवरिंग स्टॉक्स मिल गए, यहाँ पर न्यू लॉन्ग स्टॉक्स मिल गए, एंड दैट इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव ओआई चेंज, मतलब ये। ठीक है, समझ आ गई, तो न्यू लॉन्ग पोजीशंस की एक बार फोकस करते हैं अपने। तो लेट मी इंसर्ट अ पिवट हियर, पिवट टेबल, और ओके करते हैं। अब इस पिवट के अंदर में अपने ये जो ओआई ट्रेंड है इसको अपने फिल्टर में ऊपर वाले में ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपने सिंबल ले आते हैं, ओके, और यहाँ पर अपने ओआई चेंज को ले आते हैं एज अ वैल्यू। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं न्यू लॉन्ग को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो एग्रेसिव न्यू लॉन्ग और न्यू लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है, ओके, तो ये स्टॉक्स है जिनमें एग्रेसिव न्यू लॉन्ग मतलब डिलीवरी भी अच्छी हुई है और न्यू लॉन्ग पोजीशन भी है। अब इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज चेंज। तो राइट क्लिक यहाँ करेंगे और सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये हमारा ओआई चेंज हो गया। तो सबसे पहली कंपनी है इंडिया सीमेंट, जहाँ पे नया पोजीशन भी बिल्ड हुआ। ठीक है, आप साथ में है मेरे, यहाँ पर नया पोजीशन भी बिल्ड हुआ करीबन 17%, इसमें मैं डिलीवरी डेटा भी डाल सकता हूँ अगर मुझे इसको ट्रैक करना है, तो यहाँ पर मैं डिलीवरी भी डाल देता हूँ, तो वन टाइम इसके अंदर में डिलीवरी भी है और ओआई चेंज ये है। प्राइस चेंज भी इसके अंदर में डाल सकते हैं जस्ट एक देखने के लिए कि प्राइस चेंज इसका कैसा रहा है। तो इंडिया सीमेंट में 17% ओआई चेंज हुई है और वन इसका डिलीवरी है, वन टाइम डिलीवरी, विच इज नॉट अ वेरी बिग डिलीवरी, और प्राइस चेंज भी उतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस, देखिए इसमें 10% ओआई चेंज है, डिलीवरी फ्लैट सा है, प्राइस 1.68% है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है ना इनके अंदर में परसेंटेज
कोई ना कोई तेजी का माहौल बना है। तो अगर आप तेजी खेलना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि ये जो स्टॉक्स है इन पे तेजी खेलें। इसमें देखिए स्टॉक्स विद कॉमा भी इंसर्ट कर लेते हैं, तो सॉरी अकाउंट नहीं होगा, इसको अपने चेंज कर लेते हैं, अकाउंट नहीं होगा, दिस विल बी, अच्छा यहाँ पर वो सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पर अकाउंट आएगा, तो चलिए इसको हटा लेते हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर में मुझे तेजी हो सकता है खेलना हो, तो एक एक करके ये स्टॉक को हमको एनालाइज करना है, ठीक है? तो चलते हैं एनालाइज करते हैं। तो लेट्स गो टू इंडिया सीमेंट फर्स्ट, ओके? इंडिया सीमेंट में आ गए। तो यहाँ पर अगर मैं ओआई एनालिसिस शीट देखूं तो उससे मुझे पूरा हिस्टोरिकल इसका ओआई का समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या इसका ओआई बिल्डअप हुआ है। तो अगर डिलीवरी वाले जोन को अपने चेक करें तो अगर आप देखें यहाँ पे डिलीवरी हाई हुई थी 222, 231, 218 के लेवल पे डिलीवरी हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर 212 के लेवल पे डिलीवरी हुई, यहाँ पर 210 के लेवल पे डिलीवरी, यहाँ पर 211 के लेवल पे डिलीवरी है। मतलब ये 210, 211, 212 एक अच्छा जोन है इंडिया सीमेंट का, ठीक है? अब अपने यहाँ पर आते हैं और वीकली चार्ट के अंदर में इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं। देखिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ऑब्वियसली चीजें आपको अपने हिसाब से करनी होगी, बट यू नो मेरे लिए बहुत इजी है ये करना, बिकॉज मैं इनको ऐसे ही एनीवेज ही मैं करता हूँ। तो अगर आप कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो इंडिया सीमेंट पे आते हैं कैश मार्केट के अंदर में, और यहाँ पर उन स्टॉक का एक स्टेटस को देखते हैं। तो इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। ये वीकली चार्ट है और यहाँ पर डेली चार्ट है, ओके? इंडिया सीमेंट, ओके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है ये स्टॉक, आरएस वीकली के हिसाब से ऑलमोस्ट 0 के आसपास है, अच्छी बात है। मूविंग एवरेजेस भी क्रॉसओवर कर रहे हैं, 50 के ऊपर इसका आरएसआई है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन डेली के अंदर भी ये थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, ये अच्छा है इसके ऊपर अगर जाता है, 231 के ऊपर जाता है, बट एटलीस्ट हमारे ट्रैकर में ये स्टॉक आ जाना चाहिए, बिकॉज अगर इसके अंदर में, क्योंकि ओआई बिल्डअप हो चुका है तो कोई ना कोई बड़े प्लेयर ने इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्ड किया है, तो चांसेस है कि इसके अंदर में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो ये हमारे ग्रीन लिस्ट में स्टॉक होना चाहिए ताकि ये हमारे ट्रैकर में भी हो। तो मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखा है, एफएनओ वॉच लिस्ट, तो यहाँ पर एफएनओ वॉच लिस्ट है। तो यहाँ पर इंडिया सीमेंट को मैं ग्रीन के अंदर में इसको हाईलाइट कर लूंगा, ये यहाँ पर इंडिया सीमेंट है, मेरे लिए ये ग्रीन स्टॉक है। ग्रीन स्टॉक मतलब जिसमें तेजी आ सकती है, राइट? और रेड स्टॉक हो गया जिसमें फॉल आ सकता है, बरोबर है? यहाँ पर हम लोग ग्रीन की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की तरफ, ओके? इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, वाओ, ये देखिए ये बड़ा स्ट्रक्चर, प्यारा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में देखिए एकदम परफेक्ट, यहाँ पर डेली चार्ट भी अच्छा है, तो ये मेरे लिए परफेक्ट स्टॉक हो गया है ग्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे पोजीशन एक्चुअली में बिल्ड की जा सकती है, बिकॉज इसमें ओआई भी काफी अच्छा बिल्ड है। उसके बाद चलते हैं ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स भी देखिए ऑलमोस्ट अपने ग्रीन जोन में आ गया है, और सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इसमें भी आ रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसको भी हमारा ट्रैकर लिस्ट में डालना होगा ग्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है चोला फाइनेंस, और देखिए ये तो है ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ये काफी दिनों से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट अब इसका प्रॉब्लम ये कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब इसमें इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये 600 का ऑलरेडी 900 हो गया, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है कि वो स्टॉक पकड़े जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने फेवरेबल होना चाहिए, नहीं तो हमको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, फिर हम सबको ट्रैक करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी लिमिटेशन ऑफ व्हाट कैन बी। बॉश, अब इसमें देखिए ये ब्रेकआउट अभी यहाँ पर हुआ वीकली में, और डेली के अंदर में अभी बाइंग जनरेट हुआ, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसको डेफिनेटली हमको ट्रैकर में रखना चाहिए। उसके बाद है टाटा मोटर, जबरदस्त, आई थिंक ये एक स्टॉक है जो काफी जबरदस्त
मोमेंटम में है, रिस्क वॉडियस में भी थोड़ा अनफेवरेबल है, बट मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज ऑफ ईवी स्टोरी ये स्टॉक काफी जबरदस्त मोमेंटम में है, तो ग्रीन रखना चाहिए, बट इसमें पोजीशन बिल्ड करने में रिस्क वॉडियस हमको फेवरेबल नहीं मिलेगा। अब उसके बाद है आईओसी, आईओसी बीपीसीएल एचपीसीएल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा इन्होंने सपोर्ट ले रखा है, तो एक्चुअली में आईओसी एचपीसीएल भी, एचपीसीएल बीपीसीएल इन सब के अंदर में अभी अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, तो फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज परस्पेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम अ ओवरऑल रेवेन्यू परस्पेक्टिव इनके अंदर में एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, तो ये स्टॉक्स को तो ऐसे ही देखना चाहिए। उसके बाद है बिरला सॉफ्ट, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ये देखिए काफी काफी इंटरेस्टिंग जोन में स्टॉक है, तो ये भी हमारे लिए एक ट्रैकिंग जोन है। तो बेसिकली थॉट प्रोसेस ये है कि अगर ओवरऑल मार्केट के अंदर में तेजी का व्यू है तो तेजी वाले स्टॉक्स को सामने रखिए और इनमें पोजीशन को बिल्ड कीजिए, अगर ऑल मार्केट के अंदर में तेजी का व्यू नहीं है और मंदी का व्यू है तो न्यू शॉर्ट और एग्रेसिव न्यू शॉर्ट ये दोनों को कंक्लूड करें तो ये स्टॉक्स है जिनके अंदर में मंदी है। आइडियली क्या करते हैं लोग, लॉन्ग शॉर्ट करते हैं कि यहां लेते हैं और दूसरे स्टॉक के अंदर में बेचते हैं, आइडियली ऐसा सिचुएशन होता है। अब एक एक चार्ट को हमको देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई तेजी मंदी वाला शॉर्ट स्टॉक आया है तो हम उसको शॉर्ट कर देंगे, अगर उस पे स्ट्रेंथ दिख रहा है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, जैसे कोरोमंडल। अब कोरोमंडल का अपने चार्ट देखते हैं, तो इसका वीकली चार्ट के अंदर में स्ट्रेंथ है लेकिन डेली में ये स्ट्रेंथ जो है वो वीकनेस में कन्वर्ट हो गई है, तो ये शॉर्ट किया जा सकता है, बट लॉन्ग शॉर्ट के लिए ये सारे स्टॉक्स ठीक है। स्टैंड अलोन शॉर्ट डेफिनेटली काउंटर प्रोडक्टिव और रिस्की हो सकते हैं बिकॉज प्राइस चेंज जो चार्ट के थ्रू दिखता है और जो नंबर के थ्रू दिख रहा है इसमें दो अलग अलग ओपिनियन क्रिएट हो सकता है, तो मेरी राय हमेशा ये होती है कि या तो तेजी बनी में बनिए या मंदी में बनिए, दोनों तरफ का गेम खेलने में आपके लिए थोड़ा सा ये गेम काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ये सिस्टम मैंने आपको सजेस्ट किया है, इस सिस्टम को प्रैक्टिस कीजिए। डेरिवेटिव एनालिटिक्स एक जबरदस्त टूल है, एटलीस्ट जो स्टॉक जिनमें डेरिवेटिव्स में एक्टिविटी है वहां पे आप पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं और तेजी मंदी दोनों खेल सकते हैं। अगर खाली तेजी खेलना है तो ये एक तरीका है लॉन्ग वाला फ्यूचर स्टॉक्स में, और अगर आप बाकी पैरामीटर्स देखें, चार्ट पैटर्न या फीपा स्कैन या नॉन डेरिवेटिव स्टॉक्स जो है वहां पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स है वहां पे, तो वो तो मैंने आपको मिड वीक एनालिसिस में समझाया था कि कैसे स्मॉल कैप के जो इंडाइसेस हैं उसके अंदर में जो स्टॉक है उसको ट्रैक करिए ट्रेडिंग व्यू में या स्टॉकेज में और वहां जहां पे मूवमेंट मिले उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आप ये मौका मत खोइए। निफ्टी दिखाएगा ऊपर नीचे चलता रहेगा, 19,000 चला भी जाएगा तो रिवर्स कर सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मार्केट में मंदी का कोई माहौल है। हाँ एक लेवल टूटने के बाद जब पोजीशन स्क्वायर अप होती है तो एक फॉल एक्सपेक्टेड होती है, हो सकता है कि 4-5% फॉल आ जाए, लेकिन आ जाएगा तब अपने स्टॉप लॉस स्टॉक्स में हिट कर देंगे, हिट कर देंगे, पर आज के रेट में जब तेजी का माहौल है तो फिर हमको स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड करके ही खड़ा होगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, टेक केयर।